पूरे विश्व में तांडव मचा चुका कोरोना वायरस अब भारत में आतंक फैला रहा है। इटली, अमेरिका जैसे विकसित देशों के पास चिकित्सा व्यवस्था के तमाम संसाधन होने के बाद भी इनको इस वायरस के आगे घुटने टेकने पड़े। हजारों जान लेने के बाद समझ में आया है कि इसका इलाज फिलहाल मेडिकल में ना होकर खुद आम आदमी के पास है। सरकार के साथ साथ चिकित्सक भी कहने लगे हैं कि आम आदमी जागरूकता के साथ सतर्क रहे, कुछ दिनों के लिए खुद को घर में कैद कर ले तो इस वायरस से जंग जीती जा सकती है। राज्य सरकार ने इस वायरस से मुकाबला करने के लिए 1,00,000 बेड आइसोलेशन के लिए रिजर्व के निर्देश दिए। इसी के तहत सभी जिला मुख्यालय में भी अस्पतालों में बेड रिजर्व के लिए रखे जाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे पहले किसी युद्ध के दौरान नहीं किया गया। देश की आजादी के बाद पहली बार इस तरह के लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इसके तहत कोटा जिले में 7,000 बेड रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ की लंबी चौड़ी फौज अलर्ट है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन मुस्तैद है। पर एक सवाल जहन में उठता है कि क्या प्रदेश की 6 करोड़ की जनसंख्या के मुकाबले हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ वे संसाधन है? आदमी की थोड़ी सी लापरवाही चिकित्सकों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इनमें से कोई भी तैयारी काम ना आए और ये बीमारी स्प्रेड ही ना हो। आबादी के लिहाजे से कोटा प्रदेश में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ 20,00,000 के करीब लोग निवास करते हैं। कोचिंग हब होने के नाते हर साल 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी देश के अन्य जिलों से यहां आते हैं। चिकित्सा व्यवस्था के हिसाब से यहां 3 बड़े अस्पताल व 1 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। वहीं शहर में 50 के करीब निजी अस्पताल भी संचालित हैं। इन सबके बेड को मिला दें तो औसत आंकड़ा करीब 2,000 बेड तक पहुँचेगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए मेडिसिन व एनेस्थीसिया विभाग के 15 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 20 असिस्टेंट प्रोफेसर, 9 एमएचओ, करीब 110 रेजिडेंट्स डॉक्टर्स व 1,000 नर्सिंग कर्मियों को अलर्ट कर रखा है। कोरोना संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर इलाज इन्हीं को देखरेख में होगा। जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी। चिकित्सकों के मुताबिक एक संदिग्ध मरीज की स्क्रीनिंग व क्रॉस वेरिफिकेशन में करीब 20 मिनट का समय लगता है। ऐसे में आप अंदाजा लगाएं कि डॉक्टर्स की टीम पूरे 24 घंटे भी काम करेगी तो एक दिन में कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो सकेगी। आप अंदाजा लगाएं कि यदि कोटा जिले में कोरोना वायरस ने कहर मचाया तो किस कदर कोहरम मचेगा। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना की जंग से जनता ही नहीं विभाग भी लड़ रहे हैं। इस वायरस से बचाव के लिए जनता से अपील है, कुछ समय के लिए घरों के बाहर निकलना बंद कर दें। वाहन चालकों से भी अपील है, वे बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। सावधानी व जागरूकता से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। तैयारियां और जिस तरीके से प्लानिंग से तैयारियां चल रही हैं वॉर फुटिंग पे, उसका कोटा में भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पार्ट है। और इसके लिए हमने हॉस्पिटल में एक तो नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए हैं कोरोना के लिए जो डेडिकेट किए हैं, और स्टाफ की संख्या बढ़ाई है। 3 रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है, एक हम और बना रहे हैं जिसमें कि करीबन 20 डॉक्टर्स जो हैं वो सर्वे के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जो भी सस्पेक्टेड केस होता है या प्रूवन केस होता है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मुगालते में ना रहे, विकसित देशों के पास भारत से कई ज्यादा डॉक्टर्स की टीमें व मजबूत संसाधन थे। इसके बावजूद विकसित देश कोरोना का रोना रो रहे हैं। ये आम लोगों को समझना होगा, खुद को जिम्मेदारी निभानी होगी। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर निकलना बंद करना होगा, वरना विकसित देशों जैसे हालात होने में समय नहीं लगेगा, जहां लाशें उठाने के लिए आदमी भी नहीं मिल रहे। इसलिए आमजन को इस युद्ध में अपनी जिम्मेदारी,
भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि ये शायद पहला युद्ध होगा जिसमें हर आमजन योद्धा के रूप में वायरस से जंग लड़ेगा। एसटीएन चैनल भी अपील करता है, कृपया अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों परिवारों के लिए सोचें। सरकार के निर्देशों का पालन करें, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलें।